हेलो दोस्तों, लाइफ ऑफ सिलेश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेरे बिना जिया जाए ना शो के कास्ट के रियल नेम एवं उनके रियल एज के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 14 करुणा वर्मा, ये इस शो में सुधा का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 20 सितंबर 1982 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 42 वर्ष है। नंबर 13 रोमिल चौधरी, ये शो में राघव का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म सन 1991 को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 30 वर्ष है। नंबर 12 उत्कर्षा नाइक, ये शो में मीनाक्षी का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 21 मई 1978 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 43 वर्ष है। नंबर 11 सप्तऋषि घोष, ये शो में विश्वनाथ का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1974 को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 47 वर्ष है। नंबर 10 लीना बलोदी, ये शो में उग्रा का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म सन 1973 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 43 वर्ष है। नंबर 9 संदीप वेद, ये शो में गजवर्धन का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म सन 1973 को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 48 वर्ष है। नंबर 8 अविनेश रेखी, ये शो में देवराज का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1984 को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 37 वर्ष है। नंबर 7 रिया दीप्सी, ये शो में रोमा का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 19 मई 1995 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 26 वर्ष है। नंबर 6 आशीष भारद्वाज, ये शो में हस का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म सन 1996 को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 25 वर्ष है। नंबर 5 अंजलि तत्रारी, ये शो में क्रिशा का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1996 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 25 वर्ष है। नंबर 4 सिमरन शर्मा, ये शो में रति का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म सन 1973 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 28 वर्ष है। नंबर 3 लिनेश मट्टू, ये शो में आरव का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1992 को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 29 वर्ष है। नंबर 2 फराह लखानी, ये शो में नैना का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 14 जुलाई 1984 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 27 वर्ष है। नंबर 1 रक्षंदा खान, ये शो में जयालक्ष्मी का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 27 सितंबर 1974 को हुआ था। अभी इनकी उम्र 47 वर्ष है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।